नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की एक काफी बड़ी खबर है। आप सभी को पता है यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए छात्र आज प्रदर्शन के लिए थे, आज महा आंदोलन था, यानी 19 सितंबर महा आंदोलन काफी दिनों से ट्रेंड कर रहा था और फाइनली आज महा आंदोलन हुआ भी, छात्र महा आंदोलन के लिए उतरे भी। उसके बाद हुआ क्या, क्या सरकार इनके समक्ष झुकी? दरअसल मैं आपको बताऊंगी वर्तमान में कहां कहां से सपोर्ट मिला है इस आंदोलन के लिए और सरकार किस तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन क्या शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार झुकी, क्या आयोग का बयान आया कि नहीं आया, क्या क्या हुआ, सारी बातें मैं विगतवार तरीके से बताऊंगा। कब तक आशाएं हैं प्रदर्शन खत्म होने की, कब तक आशाएं हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर कोई बयान दे और यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती निकले। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ट्वीट दिख रहा होगा रोजगार विथ अंकित, आप सभी को पता है RWA के बारे में, अंकित भाटी सर के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की कृपा करें, लाखों विद्यार्थी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश के युवाओं की आपकी उम्मीद है। दूसरा यहाँ पर देखें आशीष सिंह के द्वारा, सारे वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा यहाँ पर टैग किया गया, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरने में दिल्ली से चलकर CDP मैम हिमांशी का पूर्ण समर्थन के साथ धरने में उपस्थित रही। आप यहाँ पर हिमांशी मैम की तस्वीरें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम बात करें बेसिक शिक्षा सूचना, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, यहाँ पर लिखा है खबर आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर अभ्यर्थियों ने ताला जड़ दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक अध्यक्ष महोदया बाहर आकर लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक ताला लगा रहेगा। आप यहाँ पर देखें, ज्ञात हो आज DLED अभ्यर्थियों द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विशाल धरना किया जा रहा है, जिस पर जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है उनका बयान एक बार देखते हैं, रजत सिंह का, जहां पर उन्होंने लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया से मुलाकात कर धरना स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया, आज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का निस्तारण होकर रहना है। फिलहाल इसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से छात्र बने रहे, संख्याएं भी ठीक ठाक थी, अधिक संख्याएं थी लेकिन अनुमान इससे ज़्यादा था। सभी शिक्षकों का समर्थन मिल चुका है, आपका संगठन पूरी तरीके से लगा है, तो आप सभी भी अपने घरों से निकले प्रदर्शन के लिए, क्योंकि यही एक उम्मीद बची है। दूसरा काम आपको करना है ट्विटर पर टैग करते रहना है सरकार को, लगातार नई शिक्षक भर्ती यूपी में शिक्षक भर्ती दो, इस तरीके से आपको टैग करना है, हैशटैग्स लगाने हैं, सारे काम प्रॉपरली करने हैं और कल संख्याएं आपको प्रयास करना है कि कल संख्याएं और भी अधिक हों। फिलहाल के लिए आप में से कौन कौन साथी ट्विटर पर आज ये हैशटैग यूज़ करेंगे कमेंट में लिखकर साझा करें।